गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर हियर टू कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से बैटरी वगैरह का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, इनके इफेक्ट्स कैसे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो अरेंजमेंट होता है फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर बाय कनेक्टिंग इट टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ सर्किट। हम सर्किट किसे कहते हैं कि वो अरेंजमेंट है जो हम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करने के लिए करते हैं किसी भी सोर्स से, किस सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम करते हैं तो उसे हम सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूस पाथ है फॉर इलेक्ट्रिक करंट का, कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट एलिमेंट होते हैं उसमें, बल्ब होते हैं, वायर, बैटरी और सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है अगर टू और मोर सेल का, उसे हम बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी एंड देर आर वेरियस सिंबल्स यूज इन अ सर्किट। सर्किट में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं। ये जो सिंपल सर्किट आपको दिखाया हुआ है सामने, एक बैटरी है, वायर इससे अटैच्ड है और एक बल्ब है। आगे देखिए कुछ सिंबल दिखाए गए हैं, ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी का है, सेकेंड थर्ड वाला लैंप का है, फिर फोर्थ देखिए स्विच, फिर रेजिस्टर, देन स्विच, ये स्विच ऑफ का सिंबल है, फिर एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग है, वोल्टमीटर है, मिलीमीटर है और वेरिएबल रेजिस्टर है। एमीटर का यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, एमीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ मिलीमीटर इज मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, ये मोर सेंसिटिव मतलब बहुत हल्का सा भी फीबल करंट भी इससे पता चल जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, और रेजिस्टर किस लिए यूज होता है, रेजिस्टर इज यूज टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट दे हैव ऑल्सो लिटिल रेजिस्टेंस, लेकिन इनमें भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होता है। फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है, ऑफर हाई रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रेजिस्टर क्या है, एक सर्किट एलिमेंट का है, एक सर्किट रेजिस्टर होता क्या है, रेजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है डिजाइन टू ऑफर अ सर्टेन रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए होता है। देखिए सर्किट का डायग्राम दिया दिखाया हुआ है, यहाँ जो है सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर है, बैटरी है, वोल्टमीटर है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए बल्ब, वो लैंप का वो दिया हुआ है, लेकिन ये स्विच ऑफ है, ऑन नहीं, जैसे ही इससे कनेक्ट हो जाएगा स्विच ऑन हो जाएगा और जल जाएगा ये बल्ब। एंड एडजॉइनिंग सर्किट देर आर वेरियस एलिमेंट विच आर यूज टू मेक अ सर्किट, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट है जो सर्किट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फिर है स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसा आता है, जब क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो इसमें से कुछ जो होता है क्या होता है, गेट्स कन्वर्टर इनटू हीट, इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं स्पेशली डिजाइंड होते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़ के लिए, जैसे कि हीटर हुआ, रूम हीटर हुआ, प्रेस हुआ, गीजर है, टोस्टर है, केटल है, माइक्रोवेव ओवन एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें जो है हीटिंग इफेक्ट पर ही चलती हैं। इन दीज अप्लायंसेस क्या होता है, अ हीटिंग फिलामेंट जो है ना वो यूज़ किया जाता है, जो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, एंड विच ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है फ्लो ऑफ हीट को, देयरफॉर दिस फिलामेंट गेट्स हीटेड, तो ये क्या हो जाता है, जो फिलामेंट है ये हीटेड हो जाता है अप टू अ हाई टेम्परेचर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसमें, ये फिलामेंट हीटेड हो जाता है और इसलिए ये सारे अप्लायंसेस जो है कंज्यूम करते हैं मोर इलेक्ट्रिसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, जो अमाउंट ऑफ हीट है जो वायर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है वो उसके किस पे, किस मटेरियल का बना हुआ है वो उस पर ही डिपेंड करती है, लेंथ और थिकनेस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, मटेरियल पर, लेंथ पर और थिकनेस पर, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस होगा किसी भी वायर से, तो इसीलिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, थिकनेस उनकी अलग होती है और मटेरियल भी उनका अलग अलग होता है। नॉर्मली जो वायर यूज़ होता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट बिकम वेरी हॉट,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है। बट एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बिकम सो हॉट, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो होता है ना इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, दैट दे आर इजीली विजिबल, ये बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। फिलामेंट जो होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो गेट्स हीटेड सच एज हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग, तो ये बहुत जल्दी ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ वाई बल्ब कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लाइट एंड हीटिंग इफेक्ट, इसीलिए बल्ब जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, सो वी हैव टू यूज़ ट्यूब लाइट, CFL और LED का यूज़ करना चाहिए फॉर लाइट ओनली, दे सेव वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाया हुआ है इस एक्टिविटी में, टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करने के लिए क्या हुआ है, बाइंड द नाइक्रोम वायर इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, लूप में देखिए यहाँ पर क्या किया, नाइक्रोम का वायर बना दिया है, एंड कनेक्ट इट्स एंड टू द टू कॉपर वायर्स टाइटली, कनेक्ट द कॉपर वायर्स टू द ड्राई सेल, उसके बाद कॉपर वायर को ड्राई सेल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ए सेलो टेप, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो लूप होगा ऑफ द नाइक्रोम वायर का वो रेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम वायर का जो लूप है वो कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। सो दिस एक्टिविटी शो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल विच ऑफर सम रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।